क्लास विविटी पढ़ाया था ना, तो मुझे कौन इसका समरी बताएगा आपको? मैंने पूरी क्लास में विविटी पिछली क्लास पढ़ाया गया था, मुझे बताओ ये किस तरीके की थ्योरी है, क्या बताता है ये? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा मुझे बता दो, किसी ने पढ़ा है तो मुझे बता दो प्लीज। मैम, जब भी कोई दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दो तो एटम, दो एटम, दो तो वो एटम, कोवेलेंट यस, दो बॉन्ड एटम बनाते हैं। बनाते हैं। अच्छा, थ्योरी क्या है विविटी का, कैसे कैसे क्या होता है? पिछले क्लास थोड़ा रिवाइज कर करके आया करो, ठीक है? ओके, हाँ बताओ बताओ, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, चलो कोई बात नहीं, मैम आपने बस इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन ही किया था ना, पूरा तो नहीं कराया था नहीं, ना। मैंने आपको काफी कुछ बताया था। मैंने आपको ये बताया था, जब भी दो एटम के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड का मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें, दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे जाते हैं और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज वीबीटी। जब भी दो एटम जुड़ते हैं, मान लो मैं ये आपको पिछली क्लास मैंने बताया था, मान लो ए और बी है और ये दोनों मिलके दे आर रेडी टू फॉर्म अ बॉन्ड, दे आर रेडी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, तो क्या मेरा रूल क्या कहता है, वीबीटी क्या कहता है कि जब भी ऐसे दो एटम जोड़ते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड, इट इज नॉट फुली फिल्ड, दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन जुड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आपको मैंने बताया था अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक हाफ फिल्ड के साथ जुड़ेगा, ओवरलैपिंग पे जाता है, ये जाते हैं ओवरलैपिंग पे जाते हैं, बता था मैंने? और ओवरलैपिंग के टाइम में क्या होता है, एक में उसमें से एक एटम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन को उल्टा करता है और जुड़ते हैं, ये पॉजिटिव स्पिन ये नेगेटिव स्पिन में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद ओवरलैपिंग पे जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दिस इज वीबीटी। अगर मान लो मुझे दो डबल बॉन्ड बनाने हैं, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बनना है, सबसे पहले मुझे बताओ, आपको थोड़ा आइडिया दिया था मैंने, इसमें से कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? मैम एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। मैम एक सिग्मा, वन सिग्मा एंड वन, एक ही सिग्मा हो सकता है, दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत पीछे इसके बहुत कंसेप्ट है, आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जब हम दो बॉन्ड बनाएंगे तो इसके दो हाफ फिल्ड, यस, इसके दो हाफ फिल्ड के साथ जुड़ेगा विद अपोजिट स्पिन और ये ओवरलैपिंग पे जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा, आपको बताया गया था पिछली क्लास, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ओवरलैपिंग पे जाएगा और ये भी ओवरलैपिंग पे जाएंगे। आपको जो मैंने पिछले क्लास पढ़ाया था वही वीबीटी था, आपको डिफाइन भी तो कराया था मैंने, मैंने आई थिंक आपको डेफिनेशन लिखवाया गया था वीबीटी का, याद से लिखा होगा? यस मैम लिखा है, यस मैम आपने लिखा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो तीन तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, आपको नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये है हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, H2 मॉलिक्यूल आपका, HCl मॉलिक्यूल आपका, इसमें और क्या क्या आ जाएगा, Cl2 मॉलिक्यूल, ये सब इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ये वाले सिंगल बॉन्ड वाले में ये सारे एग्जांपल, ये सारे ओवरलैपिंग पे जाते हैं और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल में हम O2 ले लेंगे, O2 एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, O2 जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है, खुद के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, क्लियर है? तो ये यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल ले सकती हूँ। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तीन हाफ फिल्ड चाहिए, तीन बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन बॉन्ड के लिए, यहाँ पे तीन हाफ फिल्ड, यहाँ पे तीन हाफ फिल्ड, ओवरलैपिंग पे जाएंगे, विविटी, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ विविटी, उसके बाद वो बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर है? दिस इज माय विविटी। अच्छा ठीक है, दिस इज माय विविटी। आपको पिछली क्लास मैंने इसके प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको आपको मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के फॉर्मेशन बताए थे, यस ऑक्सीजन के बताया गया था, ऑक्सीजन के बताया गया था, ऑक्सीजन के भी बताया था मैंने और नाइट्रोजन के भी बताए थे कि किस तरीके का ओवरलैपिंग चलता है। और ध्यान रहे, अगर एक ओवरलैपिंग होता है तो दैट इज 100% अ सिग्मा बॉन्ड, 100% अ सिग्मा बॉन्ड,
अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं, दो ओवरलैपिंग चलेगा, दो ओवरलैपिंग में से एक सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई बनेगा। अगर मेरे पास एक एटम है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है दूसरे के साथ, हाउ मेनी आर सिग्मा एंड हाउ मेनी आर पाई? मैम वन सिग्मा टू पाई, वन सिग्मा टू पाई, टू पाई, वन सिग्मा टू पाई, बाकी जो दोनों है दोनों के पाई और पाई है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो होता है एक ही ओवरलैपिंग सिग्मा बनाता है, बाकी जितने सारे ओवरलैपिंग बनते हैं सारे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज माय वीबीटी। ठीक है, अच्छा ये जो आप सुन रहे हो ओवरलैपिंग चल रहा है, ओवरलैपिंग कितने तरीके से चलता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे चलते हैं, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वीबीटी। एक बार आप प्लीज दोबारा पढ़ लेना पिछले क्लास जो मैंने पढ़ाया था, और आज हम चलेंगे ये जो वीबीटी बताता है कि ओवरलैपिंग होता है, what type of overlapping is that, कितने तरीके का overlapping होता है। तो next topic is types of overlapping। तो इसे मैं रब करने जा रही हूँ, बस छोटा सा recall था last class की जो पढ़ाई आपने करी थी। ठीक है, अब मैं इसको next topic is types of overlapping। में हम क्या पढ़ेंगे types of overlapping में, हम पढ़ेंगे sigma and pi bond के बारे में पढ़ेंगे। just a minute, ठीक है, sigma bond कब बनता है, pi bond कब बनता है। So right now, अगर मैं ओवरलैपिंग को देखूं कि जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। राइट डाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स। नंबर वन इज अगर ओवरलैपिंग देखें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, राइट डाउन, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। एंड सेकंड वन इज हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद मेरा कहां पे चलेंगे हम, लैटरल ओवरलैपिंग, राइट डाउन, लैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, लैटरल ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले चलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग आपको मैं बताऊंगी, एक काम करते हैं मैं इसको पूरा रब करने के साथ साथ आपको स्टार्टिंग से करवाती हूँ। हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए मुझे आपको SS ओवरलैपिंग दिखाना है, PP दिखाना है और SP ओवरलैपिंग भी दिखाना है। तो आपने अगर ये दोनों टॉपिक लिख दिया है तो मैं इसको रब करूंगी अभी। यस मैम, डन है ना, डन है एवरीबॉडी, ठीक है। यस मैम, अब चलेंगे, आपको बता दिया गया है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितने होते हैं। अब आपको मैं लेके चलती हूँ हेड ऑन ओवरलैपिंग। सबसे पहला जो टाइप है हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो जिसे आप कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड। सो राइट डाउन मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग किस किस का होता है आपको पता है, कौन कौन ऑर्बिटल है, एस और पी ऑर्बिटल। मैं आपको दूसरी और एक बात बता देती हूँ, डी ऑर्बिटल अभी आपका नहीं है। वो जो ओवरलैपिंग चलता है d ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग आपको नहीं करना है अभी, आपका खाली s और p ऑर्बिटल में जाके जो हाइब्रिडाइजेशन भी है, हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल तो आता है डेफिनेटली, बट ये जो ओवरलैपिंग वाला जो मेरा कंसेप्ट है इसमें आप s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। p पाई d पाई भी होता है, d पाई बॉन्डिंग भी होता है। क्लियर है, जब d ऑर्बिटल सामने आता है, बेसिकली जब d ऑर्बिटल का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे p पाई d पाई काफी सारे बॉन्डिंग है। आपको ध्यान रखना है, आपको d में भी नहीं जाना है, आपको सिंपली s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को लेके करना। तो हमारे पास दो ऑर्बिटल अभी पड़े हैं, एक है s ऑर्बिटल,
शेप क्या होता है बेटा एस ऑर्बिटल का? स्फेरिकल होता है. ऑल ऑफ यू नो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप. क्लियर है? देन कम्स माय पी ऑर्बिटल. क्या शेप होता है पी ऑर्बिटल का? यस डंबल शेप. यस यस This is the shape of the orbital. अब ये कैसे ओवरलैप करेंगे मैं उसमें आपको लेके जा रही हूँ. तो दोनों ऑर्बिटल के बारे में हमें पढ़ना है. सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है लिखो. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP, and PP star-filled atomic orbitals. Along the internuclear axis. मैम हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं बनते हैं. हेड ऑन में सिग्मा. दिस इज अ सिग्मा. ओ सॉरी सिग्मा सिग्मा सिग्मा. हां इसमें से सिग्मा बनते हैं. हां ओनली सिग्मा. हेड ऑन जहां पे हो गया दैट इज ओनली सिग्मा. दिस स्ट्रांग बॉन्ड है. ये पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है. सिग्मा इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बिकॉज़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ही ये बॉन्ड बन जाता है और हेड ऑन से बनता है. इसका एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग भी बहुत अच्छा होता है. तो जो कुछ पता है हम यहां पे थोड़ा लिख देते हैं. That of sigma bond is formed due to head-on overlapping of SS, SP, and PP half-filled atomic orbitals along the internuclear axis. Write down. This is strong bond. Because it's mixed. Okay. Sigma bond is formed due to head-on overlapping of S. देखो sigma bond के लिए limitation देखो. Sigma bond कहाँ किस किस के बीच बन सकता है? S और S से बन सकता है. दो S अगर जुड़ेंगे तब भी सिग्मा बन सकता है. हेड ऑन से अगर जुड़ेंगे तो एक S और एक P से भी बन सकता है. अगर एक S और एक P भी जुड़ेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग से तब भी बन सकता है. या दो P भी अगर जुड़ेंगे हेड ऑन से तब भी उनका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. और सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम. ठीक है. सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ये चलता है. ठीक है. तो ये इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ा ज्यादा होता है तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है. पूरे पढ़ेंगे हम यहाँ पे अभी इसको. ठीक है. दिस इज ऑल. अब हम चलते हैं एसेंस ओवरलैपिंग पे चलते. यस मैम हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या? अभी बताऊंगी आपको. मैं अभी आपको बताऊंगी हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है और लैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है. अब हम चले हेड ऑन ओवरलैपिंग पे चले. सबसे पहले बनाते हैं एसएस ओवरलैपिंग पे चलते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको. एसएस चले एसएस ओवरलैपिंग कैसे होता है. जब एक एस ऑर्बिटल देखो S orbital spherical है, non-directional है, इसका कोई direction नहीं है. इसका ये directional नहीं है, ये बिल्कुल exactly equal uniform होता है सारे direction में. S orbital जो होता है, it is non-directional in nature. तो S orbital एक S orbital है, ये जुड़ता है दूसरे S orbital के साथ. Clear है? और ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अगर हेड ऑन का मतलब होता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में जुड़ते हैं अलोंग जुड़ते हैं
दैट इज हेड ऑन, जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, और कोलिजन खत्म हो गया आपका? नो मैम अभी कोलिजन आया है, मैम ये बॉन्ड स्ट्रक्चर वापस समझा दो। फिजिक्स में कोलिजन स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं हो गया मैम, हेड ऑन कोलिजन हो गया है, हेड ऑन कोलिजन होता है आई थिंक फिजिक्स का एक टॉपिक है हेड ऑन कोलिजन वगैरह। No, ma'am. वो वाला दूसरा वाला collision start हुआ ma'am, M1 U1 equals to M2 U2 वाला। वो भी तो head on होता है, एक यहाँ से mass जा रहा है दूसरे speed, यहाँ से एक speed से जा रहा है दूसरा mass आ रहा है दूसरे speed से, और टकराते हैं तो उसका net, उसका result elastic collision कह रहे हो ma'am। Head on collision आपका दूसरा कुछ है, अभी मैं काफी दिन हो गया है, but collision जैसे head on होता है ना, similarly यहाँ पे overlapping भी head on होता है, अगर सामने से टकराते हैं ऐसे तो this is head on collision। मैम ये स्ट्रक्चर वापस बता दो, ये स्ट्रक्चर वापस किया, अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने जागृत, अभी तो स्टार्ट कर रही हूं मैं। मैम मतलब ये पॉजिटिव कैसे आया, मतलब बीच में पॉजिटिव नहीं है, जुड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, दोनों जुड़ेंगे नहीं ऐसे, ओवरलैपिंग पे दोनों ओवरलैपिंग से नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने प्लस बना दिया है बीच में, ये दोनों जुड़ रहे हैं। यस जुड़ेंगे ना, यस मैम, इट विल कंबाइन विद दिस। ओके अच्छा, ये बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल है, मैं यहाँ पे इंटरमीडियल एक्सिस किसको बनाऊंगी, जैसे अगर मैं डंबल बनाती हूँ तो इस तरीके से ये इंटरमीडियल एक्सिस बन जाएगा, तो अगर दो ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जुड़ते हैं, ओवरलैपिंग पे जाते हैं, तो देयर इज अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन ओवरलैपिंग, देयर इज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन केस। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरीके का ओवरलैपिंग दिखाएंगे, एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल जुड़ते हैं, ओवरलैपिंग ऐसे दिखता है, मुझे थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। बन गया है, ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये जो एक्सटेंडर ओवरलैपिंग है, और थोड़ा अगर आपको लेना है आप और एक्सटेंडर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो। This is S S overlapping. This is S S overlapping. मतलब ये एक sigma bond बन गया है. This bond is a sigma bond. Sorry. हाँ yes sigma bond. This is sigma bond. Head on overlapping चल रहा है. ये internuclear axis के along होता है. ये simple topic है. हम चलते हैं P3 overlapping पे चलते हैं. मैं यहीं पे नीचे करा देती हूँ आपको. Second is दूसरे P के साथ जुड़ता है, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जब जुड़ते हैं, दिस इज अ P ऑर्बिटल, बन चुका है यहाँ पे, ये किस तरीके से जुड़ने वाला है, आपने देखा होगा ओवरलैपिंग कैसे चल रहा है दोनों के बीच में, तो ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इस तरीके से जुड़ेंगे, जितना एक्सटेंड मैक्सिमम होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब आपको ऑर्डर बताऊंगी, ओवरलैपिंग का ऑर्डर बता दूंगी, किसके ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, एस एस के ओवरलैपिंग सबसे मैक्सिमम होता है, स्पेरिकल होता है ना तो सबसे मैक्सिमम उसका ओवरलैपिंग चलता है, इसके ओवरलैपिंग थोड़ा सा कम रहता है, सो दिस इज पी पी ओवरलैपिंग। This is also a sigma bond. Clear है? Okay. PP का केस क्या होता है? S बिल्कुल एक ही spherical object है, दो को आप ऐसे जोड़ दोगे तो overlap हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ये एक lobe है, ये दूसरा lobe है। ये इस तरफ lobe खींच रहा है, वो lobe उस तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे extension of overlapping थोड़ा सा कम है, होता है as compared to SS overlapping. Clear है? And the third one I'm going to show you. अच्छा sorry. ये मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, पीपी पढ़ा दिया मैंने, अच्छा आपको तो एसएस पढ़ाना था ना, आपको एसएस मैंने पढ़ा दिया है, पीपी पढ़ा दिया है, सॉरी ये मिस हो गया है, एसपी ओवरलैपिंग, अब हम चलेंगे एसपी ओवरलैपिंग पर चलेंगे, इसके बाद मुझे एसपी पढ़ाना था। क्लियर है? ओके
यस मैम. देखिए थोड़ा इसके बाद ये हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने एस एस के बाद पीपी ओवरलैपिंग पढ़ लिया है. अब एक ओवरलैपिंग हम देखते हैं जो कि एस पी ओवरलैपिंग होता है. अब एस पी ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल जुड़ेगा, एक एस ऑर्बिटल जुड़ेगा और दूसरा जुड़ेगा एक पी ऑर्बिटल भी जुड़ जाएगा. ठीक है, हम देख लेते हैं. थर्ड यहाँ पे बना देते हैं, चलेगा? डन? यस मैम. हो जाएगा. आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे का पोर्शन बताओ? हां दिख रहा है. sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल ले लेते हैं हम और साथ में एक p ले लेते हैं. ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है एंड दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. और अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जुड़ेंगे तो ये मेरा बन जाएगा, इट विल बी अ sp ओवरलैपिंग लाइक दिस. थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ. दिस इज व्हिच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज दिस, दिस इज अ एस पी ओवरलैपिंग. और एस पी ओवरलैपिंग से भी मेरा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है. तो हाँ यस हाँ यस प्राची बोलो बोलो बताओ. मैम ये ओवरलैपिंग जो है मैम हम ऐसे क्यों दिखाते हैं? ऐसे क्यों दिखाते हैं मतलब मैं समझ नहीं पाई. मैम जैसे मैम हाफ हाफ ही हो रहा है, मैम पूरा फुल ऐसे नहीं. नहीं नहीं ये ऑर्बिटल का शेप है, इस ऑर्बिटल के अच्छा ये जो ओवरलैपिंग है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे प्राची, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन पूछती हो बाकी बच्चों को भी बिल्कुल मैं आपको समझाने लग जाती हूँ ना तो कई सारे टॉपिक उसमें क्लियर हो जाते हैं. वैसे ये बहुत सिंपल है कि ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे तो ओवरलैपिंग पे जाते हैं. ये एस ऑर्बिटल है. अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये ऑर्बिटल तो एक है बट इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. मैंने आपको क्या कहा था, ओवरलैपिंग होता है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का. कहा था मैंने ओवरलैपिंग होता है. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ओवरलैप करके जुड़ते हैं. इनमें ओवरलैपिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन से वो जुड़ जाते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे भी भले ही डंबल शेप है, पी ऑर्बिटल है बट यहाँ पे एक ऑर्बिटल नहीं सिंगल ऑर्बिटल है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कितने ऑर्बिटल होते हैं. पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. ये एक ऑर्बिटल दिखाया है, हो सकता है ये पी एक्स हो सकता है ये पी वाई हो सकता है ये पी जेड हो. ये पूरा एंटायर पी ऑर्बिटल नहीं है. ये मैंने आपको एक डबल दिखाया है मतलब एक ऑर्बिटल दिखाया है. हो सकता है पी एक्स हो सकता है पी वाई हो सकता है पी जेड भी हो सकता है. और उसमें डबल इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चल रहा है. इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जब ये जुड़ते हैं तो पेयर बना लेते हैं. सिंपल कंसेप्ट है. कोई डबल है, कोई डबल ऑर्बिटल कैसे दूसरे ऑर्बिटल से जुड़ेगा? डबल एक शेप का ऑर्बिटल है, वहां पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, ओवरलैपिंग पे जाएगा लाइक दिस. स्फेरिकल है, कैसे जाएगा? स्फेरिकल है, इस तरीके से ओवरलैपिंग पे जाएगा. ठीक है, तो दिस इज sp ओवरलैपिंग, दिस इज sp ओवरलैपिंग एंड दिस इज sp ओवरलैपिंग. और तीनों के तीनों में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड ड्यू टू एक्सटेंड ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग. क्लियर है? अब हम चलेंगे लैटरल ओवरलैपिंग पे चलेंगे, लैटरल ओवरलैपिंग पे चलेंगे. और आप अभी खुद चेक करोगे कि लैटरल ओवरलैपिंग जो बनते हैं पाई बॉन्ड वो क्यों वीक होते हैं, आपको पूरा पता चलेगा अभी. ठीक है, तो ये अगर आपने लिख दिया है तो मैं इसे रफ करूंगी बच्चे. यस मैम डन. हेम सबरी यस मैम. सारे बच्चे दीपाली ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है. yes, ये सारे एक एक शॉर्ट नोट है. आपको पूछा जाएगा हेडल ओवरलैपिंग के ऊपर या सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, आप कमेंट करो या फिर आप उसको लेके शॉर्ट नोट लिखो.
कई बार क्या होता है सिग्मा और पाई का डिफरेंस कट बनाओ, तीन तीन डिफरेंस बताओ या दो डिफरेंस बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। अब हम चलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। So lateral overlapping. Second is lateral overlapping को हम क्या कहते हैं, pi bond कहते हैं। अच्छा तो पहले तो लिख लेते किस तरीके का डेफिनेशन रहेगा, pi bond कैसे बनते हैं। Write down, pi bond is formed, write down, pi bond is formed due to pi bond is formed due to lateral overlapping of PP. Pi bond is formed due to lateral overlapping of PP half-filled atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis. Perpendicular to the ये symbol समझ में आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perpendicular to the internuclear axis. ठीक है, आपको डिफरेंस कहाँ पे देखा, देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड फॉर्मेशन खाली पीपी के साथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते थे, एसएस से भी बनता था, एसपी से भी बनता था और पीपी से भी बनता था, पर जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ओनली पीपी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड, और बिकॉज वो लेटरल ओवरलैपिंग, और इसे क्या कहते हैं, लेटरल को हम और क्या कह सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इट इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। लेटरल को हम और क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें तो एक ही ऑप्शन है और तो कुछ है ही नहीं, पीपी बनाना पड़ेगा हमें, PP lateral overlapping। अच्छा आपको और एक बात बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसके बाद में क्या करूंगी ना, एक डिफरेंस टेबल बना दूंगी, सिग्मा और पाई का पूरा डिफरेंस आप नोट आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा तो अभी आपने इससे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा, सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है पता है आपको। सिग्मा बॉन्ड आपको मैंने क्या बताया है, जब भी ओवरलैपिंग चलता है, जब भी ओवरलैपिंग चलती है तो पहला ओवरलैपिंग क्या बनाता है, सिग्मा, सिग्मा सिंगल बॉन्ड। पहला ओवरलैपिंग अगर किसी में भी ओवरलैपिंग चलता है